ओके स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में कराया वो समझ आया, एक बार रिवाइज करा दूं? यस मैम प्लीज. कोई नया स्टूडेंट भी है आज? यस मैम. चलो, मुझे लगा शायद लास्ट क्लास बहुत फास्ट हो गई थी, तो वो फास्ट इसलिए थी क्योंकि मैंने तो बस आपको इंट्रो दिया है दैट व्हाट इज एविडेंस और व्हाट इज एविडेंस लॉ. ठीक है, मतलब ये जो पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में कहाँ काम आएगा आपके लॉ में, और जो लॉ है वो आपका कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, और इस एविडेंस लॉ के कौन कौन से पार्ट में, मतलब इसके इसको कई पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, कौन से होता है आपके. ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं. और वो जो किसने पूछा था मुझसे कि एडजेक्टिव लॉ नहीं होता, एविडेंस लॉ प्रोसीजर लॉ होता है, जिसने भी पूछा था, मैंने दोबारा स्टडी किया है, तो उसमें क्या था, वो बात सही मेरी ही थी, बट मैं आपको इतना ये थोड़ा सा और डीप जाना छोड़ दिया मैंने, एक्चुअली मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि एडजेक्टिव लॉ के दो पार्ट होते हैं, प्रोसीजर लॉ एंड एविडेंस लॉ. ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा था कि एविडेंस लॉ प्रोसीजर लॉ होता है, तो ऐसा नहीं है. एविडेंस लॉ एडजेक्टिव लॉ का पार्ट है, और एडजेक्टिव लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को सपोर्ट करता है, मतलब सब्सटेंटिव लॉ में जो रेमेडी दी गई है आप लोगों को, उस रेमेडी को कंकर करने में जो जो आपका लॉ होता है, जो आपको प्रोसीड कराएगा कि अच्छा ठीक है, ये आपका ए राइट था, ये इन्फ्रिंज हो गया, अब आपको रेमेडी लेनी है तो आप कहाँ जाओ, तो वो एडजेक्टिव लॉ होता है. और इसमें सिर्फ ये दो ही नहीं आते, और भी पार्ट्स आते हैं जो हमारे काम के अभी नहीं है. तो एविडेंस लॉ एडजेक्टिव लॉ का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि एविडेंस लॉ अपने आप में एक प्रोसीजर लॉ. एविडेंस लॉ से दोनों लॉ निकलते हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ. तो जिसका भी पॉइंट था और देख लेना, अगर आपके पास कोई कंटेंशन हो तो बता सकते हो. ठीक है, देखो हमारे पास ना लॉ होते हैं तो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट सेकेंड. एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है एडजेक्टिव लॉ. सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जिसमें आपके पास राइट होता है, अभी एक एग्जांपल से समझेंगे, वो राइट इन्फ्रिंज होने पे आपको रेमेडी मिलती है. और एडजेक्टिव लॉ होता है कि इस रेमेडी को आपको प्रोसीड कराने में जो हेल्प करता है, जो एक्सेस लॉ दिए जाते हैं आपको, एडजेक्टिव एक एडजेंट करके दिया जाता है, वो होता है एडजेक्टिव लॉ. इसके दो पार्ट होते हैं, प्रोसीजरल लॉ एंड सेकेंड इज एविडेंस लॉ, जो आपका सब्जेक्ट है, ये इसकी बाइफरकेशन है. ठीक है, तो सब्सटेंटिव लॉ में आता है जैसे आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर कोई किसी भी तरह का हो गया, टीपीए हो गया, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है जो आपको राइट देते हैं. अब टीपीए आपको राइट देता है, जैसे लिमिटेशन हो गया, ये लिमिटेशन अगर आप पर से देखो तो सिर्फ एक प्रोसीजरल लॉ है. ठीक है, लिमिटेशन क्या काम करता है कि सिविल सूट्स के लिए अगर मेरी स्पीड तेज हो जाए तो बता देना, सिविल सूट्स जब भी आपको फाइल करने होते हैं तो उस हर सूट के कॉज ऑफ एक्शन पे के टाइम को लिमिट कर देता है कि आप इतने टाइम के अंदर ही सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज जो आपका राइट है, राइट टू फाइल सूट, वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये लिमिटेशन कहता है. लेकिन ये टोटली प्रोसीजरल लॉ है, 1, 2, 32, 3 सेक्शन है कुछ इसमें, बट इसमें भी एक सेक्शन आता है, सेक्शन 27 जो सब्सटेंटिव लॉ है. और इसका मतलब क्या है कि अगर आपने, मतलब आपके पास किसी प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी है, इसका पोजेशन है, और वो पोजेशन होते होते 20 साल हो गए, या फिर ये टाइम पीरियड छोड़ भी दो, अगर ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी उस पे आपका राइट टू फाइल सूट, आपकी जो ए है बी है, बी के पास इस प्रॉपर्टी का पोजेशन है, ए के पास राइट था, राइट टू पोजेस, बट पोजेशन इसके पास, बी ने अपने राइट को कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया, कितने साल तक, 20 साल. ए के पास जो लिमिटेशन पीरियड था अपने इस राइट को एनफोर्स कराने का इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो टाइम पीरियड था 20 साल. अगर ये 20 साल निकल गए और इसने अपना एनफोर्समेंट नहीं किया, मतलब सूट फाइल नहीं किया,
तो ये जो कनेक्शन स्लो है, तो ये जो बी का पोजिशन था ये यहाँ पे इसका पोजिशनरी राइट बन जाएगा और ये अपना जो राइट टू पोजिस था वो खो देगा। तो यहाँ पे आया क्या, 27 के अकॉर्डिंग बी ने एक राइट एक्वायर कर लिया, तो वो सबस्टांटिव लॉ दे दिया। सबस्टांटिव लॉ, और एग्जांपल ए बी के बीच सबस्टांटिव लॉ समझा रही हूँ, व्हाट इज सबस्टांटिव लॉ, अगर आप ये कह रहे हो थे कि अकॉर्डिंग जोन, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई बी जो है वो ढोल वाला है, ठीक है, ए की शादी है, ये 27th ऑफ जैन की शादी, तो यहाँ पे ढोल वाले को ना 27 को पहुंचना है, तो ये ए का राइट है कि ये यहाँ पे पहुंचे और जिस बात के लिए इसको हायर किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो ये परफॉर्म करे। अगर ढोल वाला 27 को नहीं पहुंचा और कहता है कि मैं तो 28 को आके ढोल बजाऊंगा, तो क्या करेगा ये ए 28 को, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी शादी 27 को हो चुकी होगी। तो ए का राइट है कि बी 27 को पहुंचे और अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। अगर बी 27 को नहीं पहुंचता है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मतलब उसको तो नहीं परफॉर्म करता है, तो फिर ए के पास रेमेडी आ जाती है कि वो इस बी से कंपनसेशन ले, ठीक है। तो ये होता है सब्सटेंटिव लॉ, जहां आपके पास राइट होता है और उसके इन्फ्रिंज हो जाने पे एक रेमेडी होती है, ठीक है। ये रेमेडी मिलेगी सब्सटेंटिव में, यहाँ सब्सटेंटिव क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या हो गया, यहाँ सब्सटेंटिव था आपके पास, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आपके पास रेमेडी क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट जो राइट था आपके पास उसके इन्फ्रिंज होने पे रेमेडी क्या मिलेगी, कंपनसेशन। ये रेमेडी सब में अलग अलग होती है, आईपीसी में कुछ और होगी, पॉक्सो में कुछ और होगी, ये जितने भी तरह के एक्ट होते हैं सबके राइट अलग होंगे और रेमेडी अलग होगी, ठीक है। और जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो हमारा काम है, वो एडजेक्टिव लॉ का एक पार्ट है, एविडेंस, ठीक है, एविडेंस लॉ। अब एविडेंस लॉ क्या होता है, ठीक है, ऐसा कोई भी लॉ, मतलब एविडेंस लॉ ही, कि एक लॉ जो किसी फैक्ट के, अभी फैक्ट हम आगे पढ़ेंगे, जो किसी फैक्ट के होने या ना होने को, मतलब ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको प्रूव या डिसप्रूव करेगा, वो होगा एविडेंस लॉ, ठीक है। एविडेंस लॉ इज समथिंग विच प्रूव्स, प्रूव और डिसप्रूव, किस चीज को प्रूव और डिसप्रूव करेगा, कि वेदर एनी फैक्ट इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। एक केस लेंगे आज प्रियदर्शनी का, प्रियदर्शनी मट्टू, 1997 का केस है, शायद आपने सुना हो, उस केस से मैं सारी चीजें समझते चलेंगी, व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट और मे बी सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। अभी आज हमारा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी उसमें आएगा तो हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि एविडेंस लॉ मेनली चार क्वेश्चंस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट है व्हाट टू प्रूव, क्या प्रूव करोगे, फैक्ट इन इशू प्रूव करोगे, रिलेवेंट फैक्ट प्रूव कर सकते हो, सर्कमस्टेंशियल फैक्ट भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। फैक्ट इन इशू क्या होता है, वो फैक्ट जो इशू में है, इशू में कौन सा फैक्ट होगा जो आपके राइट को या आपकी लाइबिलिटी को या किसी तरह के और राइट एंड लाइबिलिटी को डिसाइड करेगा उस पर्टिकुलर केस में। सुनाई दे रहा है सब लोगों को, हाँ बोल दो प्लीज। यस मैम। समझ आ रहा है आज? यस मैम। यस मैम आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट टू प्रूव, हम इस एविडेंस लॉ हमें ये कह रहा है कि आप इस एविडेंस लॉ में कहां कहां घूमोगे। तो फर्स्ट पार्ट आ रहा है कि व्हाट टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करोगे किसी केस में, तो क्या प्रूव करोगे उसका आंसर एविडेंस लॉ देगा। क्या प्रूव करना है आपको, फैक्ट इन इशू प्रूव करना है। फैक्ट इन इशू मतलब ऐसा फैक्ट, मतलब ऐसे फैक्ट ऑफ इशू ऑफ दैट पर्टिकुलर केस जिनसे किसी पर्सन की, चाहे वो ए बी प्रोसिक्यूशन डिफेंस कुछ भी हो सकता है, उनके राइट्स डिसाइड होंगे, लायबिलिटीज डिसाइड होंगी, या किसी और तरह की कुछ और चीजें हैं जो सेक्शन 3 में है वो डिसाइड होंगे।
अब ये रिलेवेंट फैक्ट दूसरा क्या प्रूव करोगे, व्हाट टू प्रूव में दूसरा क्या है, रिलेवेंट फैक्ट। अब ये रिलेवेंट फैक्ट कौन से होंगे, देखो फैक्ट इन इशू जो जो डायरेक्ट इशू होगा ना, डायरेक्ट इशू तो हो सकता है लेकिन आपको उस आपके पास किसी भी केस में, मेनली केसेस में फैक्ट इन इशू प्रूव करने के डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं, तो किसी भी केस में फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते। जरूरी नहीं है कि ये मर्डर हो गया है तो यहाँ पे आई विटनेस खड़ा ही और उसने देख ही लिया हो, ऐसा नहीं होता। तो इस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए आप कुछ इसके आसपास के फैक्ट्स प्रूव करोगे, वो होते हैं रिलेवेंट फैक्ट। और ये आसपास के फैक्ट भी अगर डायरेक्ट हैं, मतलब वो फैक्ट जिनको आप देख सकोगे, सेंसेस से परसीव कर सकोगे, वो भी हैं, लेकिन हो सकता है कि ये भी डायरेक्ट हो, रिलेवेंट फैक्ट भी डायरेक्ट हो, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांशियल फैक्ट भी हो सकते हैं जिनसे आप फैक्ट इन इशू को प्रूव कर सकते हो। सर्कमस्टांशियल फैक्ट का बेस्ट अगर केस बताऊं तो आरुषि मर्डर केस अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो, तो वहां पे जितनी भी चीजें चली पूरे केस में वो सब सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स पे चली, क्योंकि वहां पे रिलेवेंट फैक्ट थे बट डायरेक्ट जो फैक्ट था या डायरेक्ट जो विटनेस जिसको कह सकते हैं, आई विटनेस हो गया, सीसीटीवी हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, तो पूरा केस ही सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स पे चला था। और ये सर्कमस्टांशियल फैक्ट आप में एक टॉपिक है, फर्स्ट हो गया व्हाट टू प्रूव, तो ये कवर होगा आपका सेक्शन 5 to 55। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका 5 to 55 आपका फैक्ट व्हाट टू प्रूव को प्रूव कर लेगा। ये छोटा कराती हूँ मैं। सेकंड आता है व्हाट नॉट टू प्रूव, क्या प्रूव नहीं करना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, ये बहुत है समझने के लिए, यूनिवर्सल समझ आता होगा आपको, जिसको सारी दुनिया मानती है कि ऐसा ही है। ठीक है, मतलब कोई ये बोले कि भाई ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था किसी पर्टिकुलर बॉडी में और वो पोस्टमार्टम कर रहे थे, तो पोस्टमार्टम में लिख दिया गया कि भाई जो सर्कुलेशन था ना ये उल्टा जा रहा था, पैरों से सिर की तरफ जा रहा था, मेरी साइंस अच्छी नहीं है बट जो भी था एग्जाम्पल ऐसा मान लो, तो ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल फैक्ट है कि ऊपर से नीचे ही आएगा, सन है यहाँ से ही जाएगा तो यहीं से जाएगा, मैंने तो एग्जाम्पल नहीं पढ़े। ठीक है, तो वो चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट के सेक्शन 5 में लिख दिया है, एविडेंस एक्ट के नहीं, सेक्शन 302 आईपीसी में लिख दिया है 300 कि मर्डर ये होगा। तो अब आप किसी भी पर्टिकुलर केस में मर्डर कैसे हुआ ये प्रूव करोगे, सेक्शन 300 को प्रूव करने नहीं बैठ जाओगे, वो लेजिस्लेचर का काम है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जिनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलेंगे। फिर थर्ड होता है हु विल प्रूव इट, कौन प्रूव करेगा भाई। पहली बात तो जिस बर्थडे के पास बर्डन, ऊपर बर्डन ऑफ प्रूव होगा, मतलब ये ढोल वाला यहाँ पे ये पहुंचा नहीं 27 तारीख को, इसने केस कर दिया, रेमेडी चाहिए, इसने मांग लिया 1,00,000 रुपया, भाई मुझे 1,00,000 दे दो। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि ढोल वाला 27 को नहीं पहुंचा, ये कौन प्रूव करेगा, ए, तो ये पहुंचा नहीं, क्योंकि पहुंचा ढोल वाला उसकी शादी पे नहीं गया तभी तो उसका राइट इंफ्रिंज हुआ, इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, केस तवहीं से तो चला, तो ये बात कौन प्रूव करेगा। इस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है कि ढोल वाला नहीं पहुंचा, ए के ऊपर, अगर उसको 1,00,000 रुपया लेना है तो इस फैक्ट को कि ये पहुंचा नहीं, इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, ए प्रूव करेगा। और इस बात को कि मैं पहुंचा था, क्या पता ढोल वाला ये बोल रहा हो कि जी मेरे को ना 7 बजे का टाइम दिया था और मैं 7:10 पे पहुंच गया था, कोई नहीं मैं 10 मिनट लेट था पर मैं पहुंच गया था, और ए कहता है कि मैंने तो 5 बजे का टाइम दिया था जी इसको और ये फिर भी 8 बजे आया, तो अब ये ढोल वाले को प्रूव करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ इस बात का प्रूव करने का इसके ऊपर है कि मुझे 7 का टाइम दिया गया था और मैं 7 बजे पहुंच गया था। तो हु विल प्रूव इट, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूव होगा। ठीक है, इसमें आगे चीजें चली जाती हैं कि विटनेस प्रूव करेंगे, ऑरल एविडेंसेस से प्रूव होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से प्रूव होगा, ऑरल एविडेंस में फिर आ जाएगा किस किस हियर से, या इसका एक एक्सेप्शन है कि हियर से एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते आप, डॉक्यूमेंट्री के 91 to 100 सेक्शंस आएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है कि लास्ट पॉइंट आता है हाउ विल यू प्रूव इट, ऑरल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री। ऑरल का एक्सेप्शन हियर से एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री में प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, बेस्ट एविडेंस रूल, ये सब चीजें आपका 59 में है, डॉक्यूमेंट्री 61 से स्टार्ट होता है, बाकी इसके आगे की चीजें 165 तक खत्म हो जाती है। ठीक है, बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम,
कुछ है तो बता दो, नहीं तो सेक्शन 3 निकाल लो। डायरेक्ट है ना सब लोगों के पास? हेलो, यस मैम। डायरेक्ट में सेक्शन 1 भी निकाल सकते हो पहले तो, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 में ये बहुत इम्पोर्टेंट। यस मैम। ओके, देखो सेक्शन 1 में एक दो ही पॉइंट्स हैं कि एविडेंस लो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 1 दिया है, मैं जम्मू कश्मीर बढ़ जाएगा। इसमें बोले कि एफिडेविट्स जो होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, ऑपरेशन प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका रीजन है किस किस पे नहीं होता एप्लीकेबिलिटी? एफिडेविट्स पे नहीं होता और आर्बिट्रेटर्स पे नहीं होता। मतलब क्या? देखो 1999 से पहले सेलम एडवोकेट कौन सी ईयर का केस है, किसी को पता हो तो? एक सेलम एडवोकेट का केस है, सेलम एडवोकेट वर्सेस तमिलनाडु बार एसोसिएशन, वर्सेस तमिलनाडु बार एसोसिएशन, आई थिंक 2005 का केस है। 99 में तो पहला कुछ आया था। तो देखो एविडेंस एफिडेविट्स पे एविडेंस लो एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एफिडेविट्स अपने आप में कोई एविडेंस नहीं होता है। एफिडेविट तो एक एक पर्चा है जिसपे एक स्टैंप लगी हुई है छोटी सी, और नोटरी ने इसको डिफाइन अटेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे डिपोनेंट ने ये लिख दिया है कि मेरे को ऐसा ऐसा पता है, ये लिख दिया। इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि वो फैक्ट है या फिर वो ट्रूथ है, ठीक है? इसलिए, और ये सेलम इससे पहले सेलम एडवोकेट केस से पहले एफिडेविट्स को कहीं कहीं पे एविडेंस मान लिया जाता था, लेकिन यहाँ डिक्लेयर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि एफिडेविट्स आर नॉट एविडेंस। तो इसलिए सेक्शन 1 में क्लियरली दिखाया है कि एफिडेविट्स एविडेंस नहीं होते हैं। सेकेंड होता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेटर लिखा है इसमें, मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है। देखो जो एविडेंस लॉ है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पे बहुत टेक्निकलिटीज आती हैं जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी आपके केस के पूरे रूप को बदल सकती हैं। तो इसलिए आर्बिट्रेशन लॉ जो होता है ना वो नेचुरल जस्टिस पे डिपेंड होता है। आर्बिट्रेशन में क्या आता है कि दो कंपनीज के बीच में, कंपनीज या किसी भी तरह का डिस्प्यूट, मान लीजिए फैमिली लॉ का डिस्प्यूट गया फैमिली का, या फिर कंपनीज में हो गया कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, तो उनमें नेचुरल जस्टिस से और जल्दी से जल्दी जस्टिस करने के लिए नेचुरल जस्टिस के प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। और तब इसलिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को एविडेंस लॉ से बाहर रखा गया है कि उतनी टेक्निकलिटीज को फॉलो ना करते हुए, जो ये हमारी मतलब एक तरह से सोसाइटी का बेसिक है, क्योंकि फैमिली है, एविडेंस की टेक्निकलिटीज में फंस जाओगे पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे, तो आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से जा सकते हो। कंपनी लॉ है या फिर कमर्शियल ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, अगर आप एविडेंस 20 साल कोर्ट में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कट जाएगा, आपकी इकोनॉमी इफेक्ट करेगी, उन चीजों को बचाने के लिए नेचुरल जस्टिस का लॉ फॉलो किया जाता है और एविडेंस को वहां से एक्सक्लूड किया गया। तो ये सेक्शन 1 था, अभी निकाल लो सेक्शन 3 जो हमारा मेन पॉइंट है। देखो केस कर ले पहले, कोई नहीं फैक्ट करके करते हैं। देखो सेक्शन 3 कहता है फैक्ट मीन्स एन इंक्लूज, फैक्ट मीन्स एन इंक्लूज। देखो जहां पे भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स आता है ना, इसका क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है ना ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं हो जाती, और चीजें भी ऐड हो सकती हैं। मींस मतलब मैं बता रहा हूं कि ऐसा इन इन चीजों को फैक्ट बोलेंगे, लेकिन इंक्लूड्स मतलब कि आप और चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो डिफाइन कर दिया गया वही फैक्ट हो। इनसे मीनिंग निकाल के आप किसी और चीज को फैक्ट प्रूव कर सकते हो तो वो भी फैक्ट ही माना जाएगा, ठीक है? दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, आप अपनी तरफ से भी इंक्लूड कर सकते हो, अपनी तरफ से आउट ऑफ लीगैलिटी नहीं आ जाएगा, बट हाँ आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसने क्या फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, अब देखो फर्स्ट सेकेंड, उसने फैक्ट की डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है? एनीथिंग
state of thing or relation of thing capable of being perceived by senses. Iska matlab any physical fact. ठीक है, क्या बोला? Anything मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप एक फिजिकलिटी में जिसको आप देख सकते हो. Anything, state of things, कोई चीज किस स्टेट में है, किस स्टेट में रखी हुई है, किस स्टेट में खड़ी हुई है, किस ऑर्डर में रखी हुई है, वो चीज जिसको आप देख सकते हो. फिर कोई भी फिजिकल चीज जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, जैसे डिब्बे हैं, ऐसे ऊपर मान लो टिफिन बॉक्स है, ठीक है, टिफिन बॉक्स ऐसे, ऐसे और ऐसे. कोई पॉइजन का केस है जहां पे उस टिफिन बॉक्स को आप कोई रिलेवेंट फैक्ट मान सकते हो, तो ये अपने आप में ऊपर नीचे रखा हुआ ये इसकी स्टेट है, तो वो कोई भी किसी भी केस का हेलो यस मैम कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस मैम एंड मैम बीच में आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है. कहाँ से? नहीं मैम बीच में ब्रेक होती जा रही है. अच्छा नेटवर्क तो पूरा है मेरे में, अभी हो तो बताना, मैं रीस्टार्ट कर लूंगी. ठीक है, फैक्ट तक समझ आया? फैक्ट से पहले मैंने क्या कराया था? इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है इसने किसी भी फैक्ट को. फर्स्ट होता है फिजिकल फैक्ट, जो ए डिफाइन करता है फिजिकल फैक्ट. क्या कह रहा है? एनी थिंग, कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो, रियलिटी में है जो. एनी स्टेट ऑफ थिंग, वो चीज जो है वो किस स्टेट में है, उसका क्या ऑर्डर है. और रिलेशन ऑफ थिंग्स, दो चीजों के बीच में क्या रिश्ता है. अगर मान लो कोई रेप केस आ रहा है, ठीक है, अब रेप केस में ये दो बंदे हैं, एक लड़की ने लड़के पे रेप केस लगा दिया कि ठीक है भाई ये तो ये था और इसने रेप किया विदाउट कंसेंट, मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ये लड़का क्या कह सकता है? वी आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, वी आर इन रिलेशनशिप, और वो उसकी कंसेंट से हुआ लड़की की. तो ये जो है ना, ये रिलेशन ऑफ थिंग्स है कि हाँ वो वहां पे वो जो थिंग्स है, जो चीजें हैं, जो फैक्ट चल रहे हैं केस में, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन से आप प्रूव कर सकते हो. अगर ये लड़का ये प्रूव कर पाए दैट वी वर इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, और वो जो भी कुछ हमारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो कंसेंट से था, और वो उन चीजों को प्रूव कर दे इंस्टाग्राम की वीडियो से, फोटोज से, या कुछ और चीजें हों उनके पास, तो उन चीजों से प्रूव, तो रिलेशन ऑफ थिंग है. उन चीजों में आपस में जो आपके फैक्ट्स हैं उनका क्या रिलेशन है, तो उनसे भी आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को, फैक्ट इन इशू को प्रूव कर पाओगे. ये फैक्ट आप इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपको फैक्ट इन इशू प्रूव करना है. थर्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस. ठीक है, ये भी भैया फैक्ट. फर्स्ट होता है फिजिकल फैक्ट, सेकंड होता है मेंटल फैक्ट. क्या बोला इसने? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन कॉन्शियस. ठीक है, एक दो माइंड, दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड. जो आपके माइंड में कॉन्शियसली है और जो आपने या तो देखा है या आपको किसी भी पर्सन की उस चीज के बारे में कॉन्शियस जागृत हुआ, मतलब उसको समझ हुई, तो वो कॉन्शियस फैक्ट होगा, मेंटल फैक्ट जिनको बोलेंगे, और एक होगा सब कॉन्शियस फैक्ट. अब इनके एग्जांपल बाद में कर लेंगे. इसके इलस्ट्रेशंस है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट. क्या? सर्टेन ऑब्जेक्ट, सर्टेन ऑर्डर, सर्टेन प्लेस. किसी भी केस में अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी प्लेस पे रखी हुई है, और इस प्लेस मतलब ये एक नाइफ है, मान लो, पता नहीं कैसा नाइफ है, जो भी है, अब ये दो तरह के नाइफ थे जिनसे मर्डर हुआ, ठीक है, तो ये नाइफ एक फैक्ट है कि वहां पे एक नाइफ था जिसपे कुछ 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 ब्लड वो लगा हुआ था. ये नाइफ किचन में वहां पे रखा हुआ था, और किचन में स्लेब पे रखा हुआ था, और स्लेब के नीचे यहाँ पे जो डेड बॉडी थी वो पड़ी हुई थी. दैट देयर इज अ सर्टेन ऑब्जेक्ट विच प्लेस इन अ सर्टेन प्लेस. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है.
मतलब ये फैक्ट के इलस्ट्रेशन है कि ये एक फैक्ट है, एक सर्टन ऑब्जेक्ट था जो नाइफ था वो एक सर्टन प्लेस पे रखा हुआ था, कहाँ पे, यहाँ एक स्लेब पे, जिसके ऊपर कुछ लगा हुआ था, मतलब कुछ ब्लड क्लॉट्स थे, और उसी के साथ में यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो ठीक है, इनसे आप प्रूव क्या करोगे वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये आपका एक फैक्ट होगा, ठीक है, ये फैक्ट है जो हमारे एविडेंस प्रूव करने में काम आएंगे। सेकंड, दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, ठीक है, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, ए ने बी को शूट मतलब स्टैब किया, ठीक है, चाकू से स्टैब किया, बी यहाँ पे चिल्ला रहा है जिसको सी ने सुना, अब सी ने ए को यहां से भागते हुए देखा, ए ने बी को स्टैब किया लेकिन सी ने ए को पास से भागते हुए देखा, तो यहाँ पे क्या है, द मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, फैक्ट क्या है यहाँ पे कि सी ने और ए बी चिल्लाया, जब जैसे उसको स्टैब किया तो बी चिल्लाया, तो व्हाट इज द फैक्ट है यहाँ पे, फैक्ट क्या होगा कि सी ने बी को चिल्लाते हुए देखा, कब, जब ए ने उसको स्टैब किया और सी ने एट द सेम टाइम ए को भागते हुए देखा। अब ये बात कि क्या ए ने बी को स्टैब करते हुए देखा, तो शायद सी ने नहीं देखा, तो कोई बात नहीं, उसने जितना देखा, जितना उसकी सेंसेस ने प्रसीव किया, जितना इसने सुना, ये उतना ही बता दे, वो ही बहुत है। इतना बताते बताते मान लो कोई एक डी होगा, ए ने बी को स्टैब कर दिया, बी को सी ने सुना कि वो और रन करते हुए ए को देखा, बी को सुना और ए को भागते हुए देखा, एक पर्सन था यहाँ पे डी, ये जंगल की बात है, ये डी कुछ करने आया था, खरगोश लेने आया था पकड़ने, सुंदर सा दिया इसको, अब डी ने ए को इसको स्टैब करते हुए देखा, ये एक यहाँ पे एक फैक्ट ये है, इन दोनों को एक ही मान सकते हो कि उसने उसको बी को चिल्लाते हुए सुना कि मेरे को मारा, मेरे को मारा, और ए को भागते हुए देखा, ये दोनों चीजें सी ने कर दी, एक फैक्ट ये हो गया, ठीक है, और डी ने इसको स्टैब करते हुए देखा, एक फैक्ट ये हो गया, ये सेकंड फैक्ट है, तो ये दोनों कैसे फैक्ट हैं, सॉरी कहाँ गया, हाँ, फर्स्ट ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट हो गया और सेकंड ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अब जो भी इस केस का फैक्टिंग इशू होगा ना, कि क्या ए ने सी को मारा, वेदर ए स्टैब सी, ठीक है, क्या उसने उसको मारा, तो क्या मारा, हाँ, कैसे प्रूव करोगे कि सी ने तो ये बताया कि उसको स्टैब किया, तो बी ने बी चिल्लाया और उसने ए को भागते हुए देखा, सी ने ये बताया कि मैंने उसको स्टैब करते हुए देखा, तो रिलेवेंट प्लस रिलेवेंट फैक्ट टू से कोर्ट यहाँ पे इस बात को रिलेवेंट, पहले तो रिलेवेंसी डिसाइड कर देगी कि हाँ भाई ये दोनों चीजें हुई हैं, और फिर वहां पे जजमेंट देते वक्त तो इस टाइम पॉसिबल करे और इन दोनों फैक्ट से जजमेंट निकलेगी, हाँ ए ने वो स्टैप, समझ आया इसे, यस मैम, कोई क्वेश्चन पूछा करो यार, कुछ तो पूछो, सब समझ आ रहा है तुम लोगों को, हेलो, यस मैम, अभी तक तो सब आ रहे हैं, चलो ठीक है। थर्ड इलस्ट्रेशन, दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, वही बी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ मेरे को ए मार रहा है, ए मार रहा है, तो ये तो सी ने सुना ना, वो ही फैक्ट है कि बी ये आई नहीं कि मैंने ए को मारते हुए देखा, लेकिन उसे ये पता है कि बी ये बोल रहा था कि मेरे को बचाओ बचाओ ए मार रहा है, बस, तो दिस इज अ फैक्ट, किस तरह का रिलेवेंट फैक्ट है। D बोला that a man holds a certain opinion, has a certain intention, act in good faith, and ये वहाँ पे आता है। ठीक है, वहाँ पे जो वो थी ना, that capable of being perceived by this, तो ये था यहाँ पे, मान लो A B है, A ने क्या किया, लाइव किया, चलो लाइव छोड़ो, ए ने बी के अगेंस्ट एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट, ए जर्नलिस्ट है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में दे दी, ठीक है, अब बी क्या करेगा, केस करेगा,
डेफिमेशन दो तरह से उसमें सिविल कर दोगे और क्रिमिनल में कर दोगे सेक्शन 499 आईपीसी में, ठीक है, जहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब कोई परसीव बाय सेंसेस मतलब क्या, बी क्या करेगा डेफिमेशन का केस, ये तो बोलेगा नहीं लोगों ने मुझे पकड़ कर पकड़ के पीटा, इसने जो डेफिमेटरी स्टेटमेंट दे दी वो डेफिमेशन नहीं है। डेफिमेशन क्या है कि सोसाइटी में बी की जो रेपुटेशन थी वो ए की स्टेटमेंट से डिग्रेड हुई है, ठीक है, बी एक कंटेंशन देगा। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है कि बी की क्या रेपुटेशन थी, ये जनरल रेपुटेशन होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है तो वहीं पे केस खत्म हो जाता है वैसे। तो जनरल रेपुटेशन क्या थी और ए की डेफिमेटरी स्टेटमेंट से बी की इस जनरल रेपुटेशन लोगों का क्या ओपिनियन आया, तो ये भी एक फैक्ट होगा, ठीक है, फिजिकल फैक्ट में आता है और एक मेंटल फैक्ट होता है, ठीक है। दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट, एक फैक्ट है, ये मेंटल फैक्ट है कि हाँ भाई किसी की क्या रेपुटेशन है और वो रेपुटेशन लोगों के माइंड में क्या है, वो जनरल रेपुटेशन होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं। मतलब ए ने बी को इलोप करके शादी कर ली, ये एक पर्टिकुलर फैक्ट है, इस फैक्ट के बारे में जनरल सोसाइटी ए के बारे में क्या सोचती है ये नहीं, ए एज अ जनरल पर्सन कैसा बंदा है, वो उसकी रेपुटेशन क्या है जनरल सोसाइटी में, दैट मीन्स रेपुटेशन। और ये रेपुटेशन क्या है, एक मेंटल फैक्ट, देख नहीं सकते हो समझ सकते हो, बहुत फैक्ट होते हैं इसके। सेकेंड आता है रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट आपको समझ आया, उस डेफिनेशन से आ गया था, आई होप। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the proviso of this act relating to the relevancy of facts, provisions of the fact। देखो fact था, ठीक है भाई, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज direct ये fact हो गए, और relevant fact क्या है, जो साथ में जुड़े हुए facts होंगे, लेकिन फैक्ट आप सारी चीजों को फैक्ट मान सकते हो, उस केस के दौरान जो कुछ भी हुआ वो फैक्ट है और उससे आप अपने फैक्ट इन इशू को प्रूव कर सकते हो, लेकिन जो रिलेवेंट फैक्ट होंगे ना वो लीगल ही होने चाहिए। मतलब सेक्शन 5 to 55 में जो रिलेवेंट फैक्ट फॉल करेंगे वो ही फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट आएंगे और उन्हीं रिलेवेंट फैक्ट से आप फैक्ट इन इशू को प्रूव कर पाओगे। इन रिलेवेंट फैक्ट्स के अलावा कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो लॉजिकली तो आपको रिलेवेंट लगेंगे लेकिन आप उनको, लेकिन वो 5 to 55 फॉलो नहीं करेंगे, या फिर यहां कर जाएंगे तो हो सकता है कि एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएंगे, लाइक इस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हो गया या फिर सेक्शन 24-25 हो गया, कि हो सकता है पुलिस की कस्टडी में कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को डायरेक्टली प्रूव कर दे, लेकिन ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगी कि पुलिस ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन में दी गई कोई स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होती, तो वो रिलेवेंट फैक्ट होगा जो सेक्शन 5 to 55 में फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाओ, मेरा ये बोर्ड पता नहीं इतना बड़ा क्यों है, कुछ पूछ लो यार, तभी तो पता चलेगा मुझे आप किस तरह से समझ रहे हो इन चीजों को। कोई क्वेश्चन करो, हेलो हेलो, यस मैम, कोई क्वेश्चन करो, कोई और बच्चे भी तो हैं, आपका नाम क्या है? एक्सक्यूज मैम, हाँ जी मैम, एक मेंटल फैक्ट का एग्जांपल दे दो, सबकॉन्शियस वाला, सबकॉन्शियस फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट यार, जो जो जिस चीज को आप देख नहीं सकते हो, मतलब मेंटली परसीव कर पाओगे, जैसे कि देखो, चलो मतलब पता नहीं कितना अच्छा एग्जांपल है लेकिन अभी अभी सोच के बता रही हूँ। जैसे मान लो किसी डॉक्टर ने कोई पोस्टमार्टम किया, ठीक है, अब पोस्टमार्टम में ये फैक्ट, मतलब साइकोलॉजिकल और फिजिकल फैक्ट दोनों को वो प्रूव करेगा। अब पोस्टमार्टम में क्या होता है कि कुछ मेडिकल थ्योरीज होती हैं,
ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हार्ट के साइड में कट है, मान लो ये कट है, और ये कट ने ना मेजर आर्टरी काट दी, और यहाँ से सारा ब्लीडिंग होते हुए पूरी बॉडी से होते हुए जहाँ पे एक बाउंड था, खाली जगह थी, वहां से ब्लड सारा निकल गया। तो ये तो एक मेडिकल थ्योरी है, ठीक है, इसको आप मेंटल फैक्ट नहीं कहोगे, क्योंकि ये सब जानते हैं, और उसने फिजिकली प्रूव देखी है उस डॉक्टर ने और प्रूव किया है। लेकिन हो सकता है कि उस पोस्टमार्टम में, उस बॉडी में उसने कुछ ऐसे चेंजेस देखे हों जो मेडिकल थ्योरी में तो नहीं आ रहे, लेकिन उसकी अपनी सोच कह रही है उस डॉक्टर की कि ये इस वजह ऐसा हुआ तो इसलिए हुआ, ठीक है, तो वो मेंटली इफेक्ट आएंगे। जितने भी ओपिनियन के केसेस होते हैं, आप जैसे आप लॉ स्टूडेंट्स हो सब लोग, लीगल पॉइंट है कोई भी, कि कोई भी एग्जांपल मुझे पता नहीं, किसी भी लीगल पॉइंट पे दो लॉयर्स की अलग अलग स्टेटमेंट हो सकती है। एक जगह कपिल सिब्बल अगर किसी बात को इंटरप्रेट कर रहे हो, और दूसरी जगह क्या नाम था जिनका, बड़े फेमस लॉयर थे वो, कोई नहीं कुछ भी नाम लगा लो, सतीश नाम लगा लो। अब एक सतीश ये भी बहुत रिनॉर्ड लॉयर है, एक कपिल सिब्बल जी भी बड़े हैं, ठीक है, तो किसी भी लीगल पॉइंट पे ये दोनों अपना क्या मेंटल ओपिनियन रखते हैं वो भी एक फैक्ट होगा, हो सकता है। देखो बैरक्स पे या लेजिस्लेचर पे हम लोग वो नहीं करेंगे एविडेंस में, लेकिन क्या पता कोई फैक्टिंग इशू किसी बैरेट के सेक्शन पे ही हो, जैसे चल रहा है सीआरपीसी, जैसे 494 47 अडल्ट्री पे कितनी कंटेंशन आई, कितने सारे केसेस थे वहां पे। जब जोसेफ शाइन का केस आया, जोसेफ शाइन अडल्ट्री का ही था ना, आई होप, तो जोसेफ शाइन का जब केस आया वहां पे एक लॉयर ने, दो लॉयर ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, तो इन लोगों के जो ओपिनियंस थे वो मेंटल फैक्ट होता है कि वो उस बात के बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। तो इन मेंटल फैक्ट्स को जब आप जजमेंट के लिए ड्यूली प्रूव कर देते हो, तो वहां पे वो आपका रिलेवेंट फैक्ट बन के और अल्टीमेटली एक जजमेंट क्रिएट करता है। तो इसलिए 497 में माना गया कि अडल्ट्री नहीं भाई, नहीं अडल्ट्री क्राइम नहीं। तो इस तरह के फैक्ट्स होते हैं जो मेंटल फैक्ट माने जाएंगे, ठीक है, आया समझ। मतलब ये एक केस करेंगे प्रियदर्शनी मट्टू का, उसमें भी कई चीजें ऐसी आती हैं जो जर्नली नहीं चली थी, लेकिन उस केस में आई तो माना गया कि हाँ ये देखो ऐसे करके ऐसे किया है तो ये चीज हुई होगी। चलो तो फैक्ट्स आपके हो गए दो तरह के, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट, ओके। अब फैक्ट्स के काइंड्स ऑफ फैक्ट होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, दो तो नहीं है, चार हैं। फर्स्ट होता है फैक्ट इन इशू, मतलब वो इनको प्रिंसिपल फैक्ट भी बोलते हैं, ये बोला है जस्टिस मुनीर ने दो तरह के फैक्ट बताए हैं, ये सिर्फ मेंस राइटिंग में काम आ सकता है, प्रिंसिपल फैक्ट और सेकेंडरी फैक्ट। वो फैक्ट जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं किसी केस में, और वो फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट है, इनडायरेक्ट फैक्ट, सेकेंडरी फैक्ट। तो फर्स्ट टाइप का फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू, तो आपकी डेफिनेशन में दिया गया है सेक्शन 3 में, द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मींस एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच एनी फैक्ट, फैक्ट तो चल गया, कोई भी ऐसी चीज जो स्टेट ऑफ थिंग्स थी, थिंग थी, या फिर रिलेशन ऑफ थिंग किसी भी तरह का, उसका क्या ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, इटसेल्फ मतलब फैक्ट इन इशू और कनेक्शन विद रिलेवेंट फैक्ट्स को जोड़ते हुए, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, अलग अलग करके करते हैं इसको। फैक्ट इन इशू क्या है, एनी फैक्ट, ठीक है, वेदर इटसेल्फ मतलब डायरेक्ट फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट, दो तरह में, विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस, ये फैक्ट इन इशू क्या कर रहा है इस फैक्ट का, इस फैक्ट का या तो एग्जिस्टेंस डिसाइड कर रहा है कि क्या ये फैक्ट है, या फिर नॉन एग्जिस्टेंस डिसाइड कर रहा है कि क्या ये फैक्ट नहीं है, या फिर इसका नेचर डिसाइड कर रहा है, नेचर मतलब किस तरह का राइट था। होते ना राइट में भी कई डेफिनेशन आ जाएंगी कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे था वैसे था, एग्जाम्पल समझेंगे, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट। जो शादी वाला एग्जाम्पल था उसमें ए मांग रहा है 1 लाख का कंपनसेशन, लेकिन कोर्ट इस फैक्ट इन इशू के थ्रू ये डिसाइड कर रही है
कि क्या वो 1 लाख का कंपनसेशन का राइट था उसका, नेचर में आ जाएगा कि क्या वो उस राइट में कंपनसेशन ले सकता है, और एक्सटेंट में आ जाएगा कि क्या वो 1 लाख का राइट था कि वो 1 लाख का कंपनसेशन मांग सके, क्या ए को इतना इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ उसका, इतनी रेमेडी चाहिए उसको कि 1 लाख रुपए दे दे हम, ठीक है। राइट लाइबिलिटी, अब यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी, बी की, डोर वाले की, जो पहुंचा नहीं उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, और डिसेबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पे जो डी था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया तो कैसे पहुंचेगा शादी में, तो उसकी डिसेबिलिटी अगर आप फैक्ट इन इश्यू के थ्रू डिसेबिलिटी डिसाइड करोगे तो यहाँ पे जो इसकी लाइबिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी। असर्टेड और डिनाइड, एक तो कह रहा है, असर्ट कर रहा है कि डी नहीं आया, और डी डिनाय कर रहा है कि नहीं मैं आया था, ये दोनों फैक्ट। इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलोज, सूट ऑफ प्रोसीडिंग मतलब सूट मतलब किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में, और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। देखो फैक्ट इन इशू, डेफिनेशन समझ में, एक बार पढ़ूं। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इज मींस एंड इंक्लूड्स, मतलब आप इससे अलग जाके भी अगर आप कोई डेफिनेशन निकाल सकते हो तो निकाल लोगे। एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या तो कोई फैक्ट इन इशू अपने आप में अकेला है, इटसेल्फ है, डायरेक्ट है, या फिर रिलेवेंट फैक्ट के साथ मिलके किसी फैक्ट इन इशू को प्रूव कर रहा है। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, असर्टेड डिनाइड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज, ठीक है। डिसेबिलिटी में माइनर साउंड अनसाउंड माइंड भी आते हैं, तो वो होता है फैक्ट इन इशू। आप एक एग्जाम्पल, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, फिर प्रदर्शनी मट्टू का केस करते हैं। Whenever under the provision of the law for the timing in force, CPC, so and so, any courts regard an issue of fact. Issue of fact. ऊपर क्या था? Fact in issue. ठीक है. Issue, fact in issue क्या होता है? There was a contract. मतलब एक फैक्ट है ये, देखो ए और बी का शादी वाला एग्जांपल, यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है, कौन सी आपको मतलब डिसाइड करनी है, वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट था, तो ए और बीच के बीच, बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तभी तो ए अपना कंपनसेशन मांगेगा, कॉन्ट्रैक्ट था तभी तो बी की लायबिलिटी है कि वो कोर्ट जाएगा और आप देगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो पहली हियरिंग में खत्म हो जाएगा, जी मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, मेरी क्या लायबिलिटी बनेगी। और इशू ऑफ फैक्ट, वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत माइनर डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता फैक्ट इन और इशू ऑफ फैक्ट कहने से, डिसाइड यही होना है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट था, था तो क्या ब्रीच हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्ट इन इशू कुछ डिसाइड हो जाएंगे, वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप पहले प्रूव कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था, फिर आपको क्या प्रूव करना है, राइट ऑफ ए, अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो ए का राइट था कि बी वहां पे प्रेजेंट होता और ढोल बजाता, वेदर देयर वाज अ इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ ए, क्योंकि इंफ्रिंजमेंट होगा तभी ए को रेमेडी मिली, अगर इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा उसके राइट का तो रेमेडी नहीं मिलेगी, तो इंफ्रिंजमेंट कैसे प्रूव करोगे कि बी पहुंचा ही नहीं, मतलब बी ए के पास गया ही नहीं, नॉट रीच, ए के प्रोग्राम में गया नहीं है, जो भी उसकी शादी का प्लेस था वहां पे नहीं पहुंचा, लेकिन अगर बी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है तो ये एक फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ोगे सेक्शन 56, और अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बी की लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक नेचुरल थिंग है, एक्सीडेंट आएगा तो वो वहां पे नहीं पहुंच सकता, तो यहाँ पे इंफ्रिंजमेंट नहीं है, लेकिन वहां पे हो सकता है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा दिया हो कि तुम नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, सी को भेज देना, एक्सीडेंट बी का हो गया था लेकिन बी ने सी को नहीं भेजा, अब वहां पे भी उसका एक्सटेंट डिसाइड होगा, क्या पता इसका एक्सीडेंट इतना बुरा हो गया हो कि कोमा में चला गया हो, कैसे भेजता भाई सी को, तो उस केस में अगर ये सिचुएशन है तो इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ,
उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं थी, वो उसके पास टाइम था कि वो सी को भेज दे, तो वहां पे उसके पास कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इस केस में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सम हाउ कहीं हुआ है, तो इसको कंपनसेशन जैसे 50,000 मिल जाएगा। अगर वहां पे कंप्लीट बी की गलती थी तो सारी लायबिलिटी उसकी आ जाएगी, तो वहां पे उसको 1,00,000 मिल जाएगा। अब यही चीजें बोल रहा है, नो एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, ये जो सारी चीजें ना, ये यही है, वेदर द एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, नॉन एग्जिस्टेंस क्या नहीं कर रहा था, नेचर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या ऐसा था कि बी को ही आना जरूरी था, और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, ए का क्या इतना राइट है, मतलब क्या उसको इतना लॉस हुआ है कि उसको 1,00,000 कंपनसेशन चाहिए, और लायबिलिटी, लायबिलिटी किसकी, क्या बी की लायबिलिटी 1,00,000 की बन गई कि मैं कोर्ट उसको ऑर्डर दे देगी 1,00,000 कंपनसेशन दो ए को, और डिसेबिलिटी, क्या बी की कोई डिसेबिलिटी हो गई थी, माइनर, माइनर तो नहीं हो सकती, बाद में नहीं होगी, अनसाउंड हो गया था, कोई मेडिकल डिसेबिलिटी हो गई थी, नहीं जा सकता था, असर्टेड, ए क्या कह रहा है, क्या कंटेंशन दे रहा है अपने, समझ आया फैक्ट एंड इशू, समझ आया? यस मैम, ठीक है। एक होता है भाई रिलेवेंट फैक्ट, बस अभी रिलेवेंट फैक्ट समझते हैं प्रदर्शनी मट्टू से, अब मजा आएगा। 7:56 हो गए यार, चलो शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, एक थी लड़की प्रियदर्शनी मट्टू, पीएम करते हैं, एक था लड़का, इसका नाम पता नहीं, संतोष नाम था शायद, संतोष कुमार लगा लेते हैं, संतोष कुमार एक दूसरा भी केस है, पर चलो कोई बात नहीं। ये जो लड़की थी ना, ये 1999 का केस है, तो ये लगा लो 1998 में एलएलएम की स्टूडेंट थी, कहाँ पे, डीयू में, और ये था, ये भाई साहब थे, ये भी एलएलएम के स्टूडेंट थे, लेकिन कहाँ पे, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आईएलआई में, जो सुप्रीम कोर्ट का एक इंस्टीट्यूट है स्पेशल, अगर आपने सुना हो, वहां पे। तो ये भी एलएलएम की थी, ये भी एलएलएम, ये एलएलएम का था, ये एलएलएम की थी, इन दोनों ने डीयू से एलएलबी किया था एक साथ, एलएलबी जो एलएलबी 3 ईयर का कोर्स होता है, वो एक साथ एक ही क्लास में किया। द सिचुएशन वाज कि प्रियदर्शनी, संतोष कुमार ने प्रियदर्शनी मट्टू को पूरे 3 साल पटाया, पर भैया प्रियदर्शनी मट्टू बड़ी जिद्दी थी, नहीं मानी, नहीं पटी, मैं तो नहीं पटती, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों ने एलएलएम का एंट्रेंस दिया, ये भाई साहब रह गए, ठीक है, नहीं हुआ डीयू में, इनका हो गया जाके एलएलएम में, एलएलएम डीयू में। अब ये चूंकि का ऑलरेडी स्टूडेंट था डीयू कैंपस का, तो ये क्या करता कि डीयू कैंपस में एक दुखी पॉइंट है जहां पे सारी दुखी मिलती है, चाय चलता है भैया, सुट्टा चलता है, दारू, दारू तो नहीं, सिगरेट वगैरह चलती है, तो ये वहां पे चलता था। अब जो डी एल एल एम का जो कैंपस था, वहां पे मैडम जो प्रियदर्शनी मट्टू जी थी वो पढ़ने जाती थी, तो ये वहां पे उस पॉइंट पे बैठा रहता जो ये डुक्की वाला पॉइंट था, और इस पे टोंट मारता रहता, ठीक है, प्रियदर्शनी मट्टू पे, क्यों, क्योंकि ये मैडम उनसे पटी नहीं 3 साल में। अब ये 4th साल का काम था, ये आई एल आई वाली चीजें ना सारी यूज होंगी, इसलिए बता रही हूँ। और ये जो संतोष कुमार भाई साहब थे, इनके फादर उस टाइम पे डीएसपी थे, कहां पे, वसंत कुंज में, ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट आएगा इसीलिए बता रही हूँ। डीएसपी थे वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में, इनके पास थी बुलेट, ये भी एक फैक्ट है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक रात, मतलब एक शाम को, ये संतोष कुमार ने प्रियदर्शनी मट्टू को वही कैंपस में, मतलब हाथ वात पकड़ लिया, छेड़खानी की या जो भी किया, इसको काफी परेशान कर दिया। ये मैडम लॉ स्टूडेंट थी, इन्होंने जाके थाने में कंप्लेन कर दी, FIR करा दी छेड़छाड़ की, ठीक है, 503 में हुई होगी, चलो हो गई, कोई बात नहीं। अब इस कंप्लेंट कराने के बाद 2-3 महीने तक संतोष कुमार शांत रहा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसने फिर वही हरकत शुरू कर दी। अब प्रियदर्शनी मट्टू ने फिर सेकेंड FIR करा दी या कंप्लेन करा दी, जो भी कराई, चली गई वहां की एसपी थी, वहां से मिली। एएसपी मैडम ने क्या किया, प्रियदर्शनी मट्टू को एक जो कांस्टेबल होता है, ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट आएगा, कांस्टेबल को अपॉइंट कर दिया प्रियदर्शनी मट्टू की सिक्योरिटी के लिए। सब लोग सुन रहे हैं? हेलो, यस मैम। हाँ,
तो अभी सिचुएशन yes, क्या है कि प्रियदर्शनी मट्टू के पास है एक कांस्टेबल जो उसकी सिक्योरिटी के लिए है। अभी कांस्टेबल क्या करता है, सुबह आता है प्रियदर्शनी मट्टू को छोड़ देता है वहां पे और चला जाता है, फिर बोल देता है मैडम मैं खाना खा के आ रहा हूँ, मैं ऐसे करके आ रहा हूँ, मैं वैसे करके आ रहा हूँ। और ये संतोष कुमार है ये यहाँ पे वो फिरोसी दुखी पॉइंट पे बैठा रहता है, टोंट मारता रहता है, ठीक है कोई बात नहीं, जब तक फिजिकली अब्यूज नहीं कर रहा है। तो प्रियदर्शनी मट्टू भी मतलब वही बात है, लड़की थी अपना टाइम निकाल रही थी कि चलो कोई बात नहीं मेरी एलएम हो जाएगी तो कहां तक जाएगा। लेकिन ये जो दो एफआईआर हुई ना उससे संतोष कुमार को बहुत इंसल्ट फील हुई, इसको हुआ कि यार मेरी तो इंसल्ट हुई, मैं तो मतलब डरा था और ये एफआईआर करा के कांस्टेबल लिया, सिक्योरिटी बढ़ा ली। तो उस बात से वो करने एक रात क्या किया, शाम को मतलब प्रियदर्शनी ये निकली 4 बजे घर कॉलेज से, कॉलेज से मैडम आके पहुंच गई 5 बजे अपने घर पे। इनके घर पे उस टाइम पे जब ये पहुंची तो इनके पेरेंट्स थे, ठीक है। जब इनके पेरेंट्स थे तो जो वो कांस्टेबल था, क्या नाम था उसका, सत्येंद्र कुछ नाम था, वो कांस्टेबल ने बोला मैडम मैं खाना खा के आता हूँ, ठीक है। तो वो खाना खाने जब गए तो वहां पे क्या हुआ कि ये चले गए, ये इनकी एग्जिट होने के बाद ये जो इनके पेरेंट्स है इन्होंने कहा मार्केट में जाके आते हैं। तो ये सब 5 बजे उसको छोड़ के चले गए और 5 बजे प्रियदर्शनी मट्टू क्या हुआ, अकेली हो गई घर में। अब इससे थोड़ा बैक स्टोरी जाते हैं पीछे, जब 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो प्रियदर्शनी मट्टू थी वो अपने घर जा रही थी तो उसकी गाड़ी के पीछे पीछे ये भाई साहब संतोष कुमार साहब बुलेट लेके पीछे पीछे जा रहे थे, ठीक है। और इस बुलेट पे संतोष कुमार को इस प्रियदर्शनी मट्टू के ड्राइवर ने देखा बैक शीशे में कि संतोष कुमार आ रहा है। वो चीज इतनी बड़ी थी कि संतोष कुमार को सब जानते थे, उसको उसने उसके हेलमेट से देखा, ये हेलमेट भी बड़ी अच्छी चीज है, इसका एक वाइजर काम आएगा, उसको उसने देखा। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये मेंटल फैक्ट है, कौन सा, कि इसने ऑब्जर्व किया किसे, कि संतोष कुमार गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उसने बताया नहीं, मतलब उस टाइम पे नहीं बताया किसको, प्रियदर्शनी मट्टू को। तो ये ड्राइवर हो गया, अब ये 5 बजे प्रियदर्शनी मट्टू को सब छोड़ के चले गए, खाली हो गया घर। घर खाली होने के बाद क्या हुआ, संतोष कुमार बैक के गेट से अंदर घुसा, क्योंकि फ्रंट का गेट प्रियदर्शनी मट्टू का जो कांस्टेबल था वो बंद करके गया था, ठीक है। ये जब पीछे से घुसा, ये घुसा पीछे से, पीछे वाले गेट से, ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट आएगा, क्योंकि आगे से निकलते हुए उस प्रियदर्शनी मट्टू के पड़ोसी ने देखा। इन्होंने क्या किया, पीछे के गेट से घुसे, उसी गेट के साथ में एक रूम था जहां पे प्रियदर्शनी मट्टू अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। ये एसके भाई साहब ने इनका पहले रेप किया, बाद में वहां पे एक हीटर रखा हुआ था, हीटर की वायर से इनके गले को घोटा, और वहां पे जो इसका हेलमेट था, इसकी बाइक का जो हेलमेट था, इनकी बाइक का जो हेलमेट था, उन्होंने इनको प्रियदर्शनी मट्टू के सिर पे मारा। सिर पे मारने से क्या हुआ कि जो हेलमेट का वाइजर था, वाइजर होता है जो आगे वाला शीशा होता है, वो टूट गया, और पढ़ा रही हूँ सर, और उनके वाइजर का शीशा इनके सिर में लगा हुआ था, तो वो वहां पे उसके कुछ टुकड़े इनके सिर में पाए गए बाद में पोस्टमार्टम जब हुआ, और कुछ टुकड़े नीचे पड़े हुए मिले। तो इन्होंने रेप किया और इनका मर्डर किया। मर्डर कैसे किया, इस तार वायर से, जो क्या था वो, हीटर की वायर से इनका गला घोट के इनका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये आगे वाले गेट से निकले और इनके हाथ में वो हेलमेट था, पता नहीं अब क्या हुआ है, आगे वाले गेट से जाके शायद पीछे गए हैं, या फिर ये बाइक कहीं और खड़ी करके पैदल आए थे और इनके हाथ में हेलमेट था, या फिर हेलमेट ये पहन के आए थे और जाते हुए इन्होंने वो हेलमेट नहीं पहन रखा था, वो उनके हाथ में था, ठीक है। अब ये थी स्टोरी, स्टोरी समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Can we say that fact in issue? किसी का question है? Ma'am, can we say that fact in issue is that where a right is claimed by one party and it is denied by the other?
हाँ हो सकता है, सीपीसी निकाल के ला रहे हो आप ये। सीपीसी में अगर आप डेफिनेशन देखो तो वो इशू इन फैक्ट की होता है कि वन पार्टी इज क्लेमिंग एंड सेकेंड पार्टी इज डिनाइंग, तो वो अपने आप में एक फैक्ट इशू बन जाएगा, क्योंकि इशू का पॉइंट वही होगा जहां पे एक आदमी कह रहा है कि मुझे ये दो और दूसरा कह रहा है कि मैं तो नहीं देता, तो झगड़े का पॉइंट ही वो हुआ, और वो झगड़ा था तभी आप कोर्ट में गए। तो हाँ फैक्ट एंड इश्यू इज दैट। तो अब स्टोरी में ना चीजें निकालो कि फैक्ट एंड इश्यू क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है, सरकमस्टेंशियल फैक्ट क्या है, और एक होता है इररिलेवेंट फैक्ट। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, जो फैक्ट तो है लेकिन काम के नहीं है, ठीक है? तो ये इररिलेवेंट फैक्ट। अब ये चारों चीजें आप इस केस से समझ लोगे। देखो अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या होगा कि जो ए है, जो संतोष कुमार थे, उन्होंने प्रियदर्शनी मट्टू का क्या मर्डर किया, ठीक है? फैक्ट तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब देखो कितने सारे फैक्ट हैं। फैक्ट मान के चलते हैं, पहला फैक्ट कि वो डुबकी वाले पॉइंट पे बैठ के उसको परेशान करता था, ठीक है? तो जो डुबकी के जो रिटेलर थे या जो भी वहां पे दुकानदार शॉपकीपर थे, उनकी विटनेस हुई, वो एक एविडेंस हुआ, ओरल एविडेंस हुआ। और वहां पे जो प्रियदर्शनी मट्टू की फ्रेंड्स थी, उन्होंने विटनेस दिया कि हाँ संतोष कुमार डुक्की पॉइंट पे बैठ के उस पर टॉन्ट मारता था। वो जो दो एफआईआर हुई, FIR 1 2, ये फैक्ट्स हैं। और ये क्या है, डॉक्यूमेंट फैक्ट है कि FIR 1 हुई, FIR 2 हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसने, संतोष कुमार ने उनको परेशान किया। सॉरी मैम, था हेलो, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो हेलो, रिप्लाई प्लीज। मैम आपकी आवाज मैम ब्रेक योर हो वॉइस रही। इज नॉट क्लियर। अभी आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था बिल्कुल, दोबारा रिकनेक्ट किया है। अभी आ रही है आवाज? क्लियर है सबको? यस मैम। एक मिनट में तो आया क्लास है। कितने लोगों की क्लास है? सबकी क्लास है क्या? 8 बजे? यस मैम 8 बजे क्लास है। चलो ठीक है, केस के फैक्ट्स पूरे हो गए हैं। इन केस से अब हमें ये चार चीजें निकालनी है। फैक्ट, फैक्ट इन इशू क्या बनेगा, रिलेवेंट फैक्ट कौन कौन से होंगे, इररिलेवेंट फैक्ट कौन कौन से होंगे, और सरकमस्टेंशियल फैक्ट्स कौन से होंगे। और ये सारी चीजें निकाल के हम फिर दो फंडामेंटल रूल ऑफ एविडेंस निकालेंगे कि इनके बीच में रिलेवेंसी क्या थी, और रिलेवेंसी होते हुए किन फैक्ट्स को कोर्ट ने एडमिसिबल किया जजमेंट देते हुए। ये आपका बेस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मैं सेक्शन कराऊंगी तो इतनी डिटेल नहीं जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि एविडेंस का टाइम पीरियड 3 महीने होता है, और 1 महीने में इतना ही हो सकता है। तो फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर होंगे तो बाकी की सेक्शन 6 to 55 और उसके बाद के सेक्शंस आप समझ जाओगे, ठीक है? तो कल मिलते हैं। कल आप लोग क्लास होती है 7 से 8? हेलो, मैम कल आप लोगों को, आप लोग फ्री हैं किसी टाइम? किस 7 से 8 हमारी सीपीसी होगी कल। दिन के किसी और वक्त, घंटे, मिनट में आप फ्री हैं? मैम 6 से 9 के बीच में तो नहीं होंगे मैम, क्योंकि सारे शेड्यूल लाइंड अप है ऑलरेडी, सर ने हमें तो पहले ही दे 5 से 6 रखा। कर लो, मैम बाकी सबसे पूछ लो आप। नहीं तो बाकी सब यही है। यस मैम, नो प्रॉब्लम। ओके क्योंकि मैम फैक्ट अग्री। से लेकर और एडमिसिबिलिटी सी की जो जर्नी थी ना, वो एक ही क्लास की थी, और आज हमारी 2 क्लास खत्म हो गई, तो एक और ले लेती हूँ ये खत्म हो जाए तो। ठीक है मैम 5 से 6 ले लो। ऑनलाइन क्लासेस चलती है मैम दिन में? क्या होती है ऑनलाइन क्लासेस चलती है मैम कॉलेज की? कॉलेज की भी चलने सके? तो 5 से 6 कौन, 5 से 6 कौन सा कॉलेज चल रहा है? 5 बजे तक चलती है मैम सुबह।